यहाँ पर रेगुलर आते हैं? हाँ बराबर आते हैं। कैसा खाना लगता है? बहुत अच्छा खाना है, कम रेंज में बहुत अच्छा खाना है। कम रेंज में बहुत अच्छा खाना। खासकर यहाँ की कौन सी डिश आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? खासकर यहाँ तो नॉन वेज हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेज हम बहुत कम इस्तेमाल किए हैं यहाँ का, नॉन वेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ कैसा लगता है? और यहाँ पे हर कुछ हम खुद खरीदते हैं, स्टाफ के भरोसे हम काम नहीं करते। मछली भी लाना पड़ता है तो पोखर का मछली अपना पोखर है अपना, उसमें से मछली यूज करते हैं, जहाँ तक अच्छा क्वालिटी होता है वही होता है। मटन का है तो पूरा सामने में खस्सी कटा के पूरा खस्सी लेते हैं, एक दिन में हमको 10 किलो यहाँ खस्सी का मीट यूज होता है। अभी नया है इसलिए अभी इतना है, इससे आगे जो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन 10 किलो रोज़ हमको मटन लग जाता है, 20 किलो तो 25 किलो मेरा चिकन यहाँ खर्चा है। यहाँ 10 किलो तक हमको मछली, रोहू मछली चलाते हैं, दूसरा हम मछली चलाते हैं जो मिथिला का प्रसिद्ध मछली, वही हम चलाते हैं अपना। यही यहाँ तक ये अच्छा है जहाँ तक कस्टमर संतुष्ट होकर जाए। और खबर आसपास, एक बार फिर आपका स्वागत है, मैं विष्णु सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय वीकेंड का समय चल रहा है और आज सैटरडे है और कल संडे है, और इस वीकेंड में हर किसी का मन करता है कि किसी ऐसी जगह पर जाए अपने परिवार के साथ, जहाँ पर वो कुछ पल जो है अपने परिवार के साथ आराम से बिता सके। और इसके लिए सबसे जो सही जगह होती है वो होती है रेस्टोरेंट। तो आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसे ही रेस्टोरेंट में, मन भावन फूड एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जो कि भगवतीपुर बिरोल चौक के बिल्कुल बीच में है। और हम आपको आज दिखाने वाले हैं इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको क्या क्या खासियत है और क्या क्या सुविधाएं आपको मिल जाएगी। हम आपको दिखाने वाले हैं आज मन भावन एवं फैमिली रेस्टोरेंट में क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे आप यहां पर अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिता सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसका इंटीरियर काफ़ी सुंदर है और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये बिरोल और भगवतीपुर के बीच का बीच जो मेन रोड है उसी मेन रोड पर है, और इतनी सुंदरता से इंटीरियर बनाया गया है। गर्मी के समय में आप बाहर आराम से बैठ सकते हैं और लाइटिंग की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। इसके साथ साथ हम आपको अंदर का एरिया भी दिखाएंगे। अंदर के एरिया में हम आपको बताना चाहेंगे, ये रिसेप्शन एरिया हो गया और साथ साथ ये आपका जो है फूडिंग एरिया हो गया, जहाँ पर आप बैठ के अपनी फैमिली के साथ आराम से हर तरह के फूड को इंजॉय कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एक सुपर इंटीरियर सजाया गया है, काफ़ी आपको आभास ही नहीं होगा कि आप जो है वो इस समय भगवतीपुर या बिरोल के बीच में हैं। और भी हम बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको फूड कैबिन भी है, जिसमें आप जो है फैमिली के साथ जो है अगर आप सेपरेट करना, मतलब कई लोग बहुत ज़्यादा पर्सनल होते हैं तो पर्सनल के लिए भी आपके पास यहाँ पर कैबिन है और कैबिन फैसिलिटीज भी यहाँ पर है। मैं आपको कैमरा मैन से कोशिश करूँगा कि एक बार कैबिन को भी अंदर से दिखा देंगे। अगर आप जो है वो फैमिली के साथ आते हैं, कैबिन की सुविधा चाहते हैं, तो यहाँ पर कैबिन की सुविधा भी है। सबसे बड़ी बात ये है आपका एक आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस रूम। आमतौर पर किसी भी रेस्टोरेंट का जो सबसे बड़ा जो उसका मेन पॉइंट होता है वो होता है कॉन्फ्रेंस रूम। खाना तो आपको ढाबे में भी मिल सकता है, लेकिन इन सुविधाओं के साथ अगर आपको कॉन्फ्रेंस रूम मिल जाता है, जिसमें कि आप ऑफिस के लिए या किसी कार्यक्रम में आप आते हैं, कोई शादी या छोटा मोटा प्रोग्राम के लिए आप कॉन्फ्रेंस रूम भी बुक करा सकते हैं, जहां पर आप गेस्ट के साथ बैठ के आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है एक ओपन एरिया के साथ साथ आपको एक कॉन्फ्रेंस रूम भी दिया गया है, जहाँ पर आप जो है आराम से 30-40 आदमी फैसिलिटी से बैठ के अपने आप मीटिंग एंजॉय कर सकते हैं और साथ साथ फूडिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। इस समय मैं आपको बाहर का भी दृश्य दिखाना चाहूँगा। बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी जो इसका इंटीरियर है काफ़ी अच्छा है, एक मॉडर्न फैसिलिटी दी गई है और फैमिली के लिए मैं कहना चाहूँगा एक बहुत ही आप कह सकते हैं मीडियम रेंज में
एक उत्तम फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है। और भी हम तो हम इस समय किचन एरियाज में हैं, ये है मन भावन फूड एंड फैमिली रेस्टोरेंट का किचन, जो आप देख सकते हैं कितनी सफाई से यहाँ पर खाना तैयार किया जा रहा है और कितनी सफाई से जो है सभी चीज़ें हो रही है। यहाँ पर जो कुक है, जो यहाँ पर जो मेन कुक है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या जो है वो खाना काम कर रहा हूँ। 4 साल से आप कर रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या फूड आप देते हैं? यहाँ पे इंडियन, चाइनीज, तंदूर। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं किसकी डिमांड रहती है? फैमिली का मतलब कि किस तरह का खाने की डिमांड रहती है? वही इंडियन, चाइनीज। इंडियन में क्या क्या रखते हैं आप? पनीर कढ़ाई, पनीर दो प्याज़ा, चिकन हांडी, चिकन कढ़ाई, चिकन दो प्याज़ा, ऐसे बहुत सारा डिश है। और साथ साथ चाइनीज़ में क्या क्या रहता है? चाइनीज़ में पनीर चिली, चिकन चिली, बहुत सारा डिश है उसमें भी। यहाँ पे लोग इंजॉय करते हैं? हाँ, काफ़ी इंजॉय जी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने बात की और साथ साथ जो है और भी हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप चौपाल। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम 4 साल से कर रहे हैं। क्या लगता है यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहे हैं, बहुत लोग सब आते हैं, बहुत आते हैं कस्टमर, और बहुत हम सुविधा दे रखे हैं कस्टमर को, बहुत बेटर बोल के जाते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंडियन के साथ साथ चाइनीज़ जो है वो भी आपको क्यूजिन्स जो है यहाँ पर मिल सकता है। इंडियन और चाइनीज़ दोनों तरह के फूड को आप इंजॉय कर सकते हैं। जी, हमारी जो है यहाँ के कुक से भी बात हुई और उन्होंने भी हमें यहाँ का पूरा जानकारी दिया। हम अब आगे आपको और भी दिखाना। तो हमारे साथ मौजूद है इस समय यहाँ पर ग्राहक मौजूद है, हम उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का खाना इनको कैसा लगता है और क्या रेगुलर आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रमोहन दास। आप यहाँ पर रेगुलर आते हैं? हाँ, बराबर आते हैं। कैसा खाना लगता है? बहुत अच्छा खाना है, कम रेंज में बहुत अच्छा खाना है। कम रेंज में बहुत अच्छा खाना। खासकर यहाँ की कौन सी डिश आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? खासकर यहाँ तो नॉन वेज हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, बहुत ज़्यादा, कि वेज हम बहुत कम इस्तेमाल किए हैं यहाँ का, नॉन वेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ का जो खाना होता है, आमतौर पर कहा जाता है कि उसमें ऑयल वगैरह, तेल वगैरह काफ़ी उत्तम क्वालिटी का, हमने बात किया यहाँ के कुक से तो उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी तरह से जो है मसालों का प्रयोग किया जाता है। नहीं, देखिए, हम बराबर यहाँ के मसाला तो यूज किए हैं, लेकिन इस तरह का कुछ हमको शिकायत नहीं मिला है अभी तक। तो जब हमको शिकायत नहीं मिला है तो हम क्यों शिकायत करें? तो काफ़ी अच्छा मसाला, काफ़ी अच्छा मसाला यूज होता है यहाँ पर, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस समय हम बात कर रहे थे, यहाँ पर मौजूद बहुत सारे ऐसे कस्टमर जो रेगुलर आते हैं उनसे हम बात कर रहे थे। और तो हमारे साथ इस समय मौजूद है मन भावन फूड एंड फैमिली रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या विचार आया जो इस एरिया में इतना अच्छा जो है फैमिली रेस्टोरेंट खुला। तो सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में स्वागत है, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम हरमन कुमार झा हुआ, मेरा अपना व्यवसाय है बिरोल चौक पे। मधुबनी से लेके आज समिया तक बीच बीच में कहीं आदमी का ठहरने का, चाहे कोई ऐसा जलपान का जगह नहीं था। यही सोच के एक अच्छा व्यवसाय के हिसाब से यहाँ पे एक डाले रेस्टोरेंट, तो आदमी सबको यहाँ जितना परेशानी होता है वो दूर हो। अपना कोशिश रहता है जो अच्छा से अच्छा आदमी को स्वागत करें जहाँ तक हो सके। मसाला खुद का अपना तैयार करते हैं, कोई बाहर का मसाला नहीं यूज करते हैं, कोई है जो नहीं, जो मसाला तैयार होता है खुद का अपना मसाला तैयार करते हैं। और बाकी कस्टमर सबसे आप पूछे ही हैं जो कैसा मेरा खाना व्यवहार है, मेरा कुक चाहे मेरा जो स्टाफ सब है सबका व्यवहार सब कुछ बहुत अच्छा है। और आपका जो यहाँ पर कम रेंज में जो आप इतनी उत्तम क्वालिटी देते हैं वो कैसे मेंटेन करते हैं? ये रेट हमारा एक यहाँ है जो गरीब से गरीब या अमीर से अमीर जो है वो सबके लिए रेट बराबर है। मेरा रेट चार्ट जो है या मेरा खाना क्वालिटी है वो सबसे उत्तम है। जहाँ कहीं भी आप खाने जाएगा उसके हिसाब से 50% मेरा रेट कटौती करके अपने हिसाब से हम रेट बनाए हुए हैं। और खाना का क्वालिटी जो है सो तो यहाँ के कस्टमर से आप बात करके संतुष्ट हुए होंगे किस हिसाब से काम हो रहा है। और खास हमने यहाँ के कस्टमरों से बात की, खासकर उनका कहना था कि नॉनवेज फूड आपका लाजवाब यहाँ पर होता है। तो क्या आप कैसे कहाँ से नॉनवेज मंगवाते हैं और किस तरीके? यहाँ पे हर कुछ हम खुद खरीदते हैं, स्टाफ के भरोसे हम काम नहीं करते। मछली भी लाना पड़ता है तो पोखर का मछली अपना पोखर है अपना, उसमें से मछली यूज करते हैं। जहाँ तक अच्छा क्वालिटी होता है वही होता है। मटन का है तो पूरा सामने में खस्सी कटा के पूरा खस्सी लेते हैं। एक दिन में हमको 10 किलो यहाँ खस्सी का मीट यूज होता है। अभी नया है इसलिए अभी इतना है, इससे आगे जो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन 10 किलो रोज़ हमको मटन लग जाता है। 20 किलो तो 25 किलो मेरा चिकन यहाँ खर्चा है। यहाँ 10 किलो तक हमको मछली, रोहू मछली चलाते हैं, दूसरा हम मछली चलाते हैं जो मिथिला का प्रसिद्ध मछली वही हम चलाते हैं। अपना यही जाता है यहाँ तक, ये अच्छा है जहाँ तक कस्टमर संतुष्ट होकर जाए। और विशेष क्या, हम सब तो बात हुआ ही है।
तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि खासकर जो यहाँ पर नॉनवेज फूड चलता है, सबसे पहले तो ये अपना इनका पोखरा है जहाँ से ये ताज़ी मछली मंगवाते हैं, खासकर रोहू, जो कि बिहार और खासकर मिथिला में सबसे जो है स्वादिष्ट मछली मानी जाती है। पहले के वीडियो में भी हम आपको दिखा चुके हैं। और साथ साथ जो इनका मटन आता है वो अपने आगे कटवा के बिल्कुल ताज़ा मटन आता है, तो आपको किसी भी तरह की यहाँ पर शिकायत नहीं मिलती है, आप यहाँ पे ज़रूर आएंगे। अच्छा, हमारे चैनल के मीडियम से आप अपने जो कस्टमर्स जो है, जो ग्राहक है, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह? एक बार सेवा का मौका दीजिए, आपकी संतुष्टि मेरा जीवन है, एक बार ज़रूर पधारें यहाँ पर, उसके बाद। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि एक बार आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बार बार यहाँ आने का मन करेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और क्योंकि वीकेंड का समय है, आज शनिवार है, कल रविवार है, लगातार अगर आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहते हैं तो आप एक उत्तम क्वालिटी का खाना बहुत ही मीडियम रेंज में यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। कहना मतलब है, देख लिया हमने सबला बातें कही।